आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है और उसमें स्पष्ट फोटो खींच सकने वाले कैमरे भी लगे होते हैं, जिससे हम मन चाहे फोटो को खींच लेते हैं। जब भी हमें किसी कैमरे की क्षमता बतानी होती है तो हमें मेगापिक्सल में ही बताते हैं, जैसे 13 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल आदि। हमारी आँखें भी कैमरे की तरह ही होती हैं, जो अपने आसपास हर चीज़ को देख सकती हैं और उनकी तस्वीर बना सकती हैं। आँखों और कैमरे में एकमात्र फर्क यही होता है कि कैमरे से खींची गई फोटो हम दूसरे व्यक्ति को भी दिखा सकते हैं। ये तो थी कैमरे की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आँखों की क्षमता क्या होती है? अगर हम कैमरे की तर्ज पर अपनी आँखों की क्षमता मापें तो हमारी आँखों की कितनी मेगापिक्सल होगी, कभी सोचा है आपने? आइए इसी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, हमारी आँखें सिर्फ 1.5 से 2 मेगापिक्सल के कैमरे के बराबर ही होती हैं, जी हाँ। लेकिन अगर देखने की बात की जाए तो सामान्य प्रकाश में हमारी आँखें देखने की क्षमता 74 मेगापिक्सल होती है और हमारी रिजोल्यूशन क्षमता 576 मेगापिक्सल के समान होती है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आपकी आँखों की क्षमता एक स्मार्टफोन के कैमरे से भी कम है, लेकिन हमारे देखने की क्षमता अधिक होने के कारण हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। इंसान की दोनों आँखें मिलाकर जो चारों तरफ के दृश्य को देखती है, वो कुल मिलाकर एक बहुत बड़े क्षेत्र की छवि बनाता है, जो लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। असल में 576 मेगापिक्सल जवाब तब सही हो सकता है जब मानव नेत्र किसी कैमरे के स्नैपशॉट की तरह तस्वीर खींच सके, संभवतः यह नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि हमारी आँखें कितने मेगापिक्सल की होती हैं। दोस्तों, ऐसी और भी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।